जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 3 है, 10th क्लास फिजिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वैसे चैप्टर नंबर 12 बनता है और इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और इसमें से पेपर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो आता है। आज मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ इसकी स्कीम के मुतलक कि इसमें से पेपर में कितने नंबर का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से बनना है। तो चैप्टर नंबर 12 में 2 MCQs आएंगे आपको, जो आपने एक्सरसाइज में से करने हैं। 3 शॉर्ट सवाल होंगे, ठीक है, और 6 नंबर के ये हैं और 2 नंबर के MCQs, 8 नंबर, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, मोस्टली न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आता है। तो इसमें आपने ज़्यादा फोकस रखना है शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और MCQs के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 12-13 नंबर का जो पेपर है वो इस चैप्टर में से बनता है और थोड़ा ये चैप्टर लेंथी है। आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन करें अच्छी तरह, MCQs इसके एक्सरसाइज वाले अच्छी तरह कर लें और न्यूमेरिकल अच्छी तरह करने। तो मैंने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया, 2 लेक्चर्स के अंदर जो है मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगा। थोड़ा लेंथी था तो एक लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना है, तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि 2 लेक्चर्स में आपको ये चैप्टर जो है मुकम्मल मैं करवा दूँगा। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो है ये 12 वाला है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, ये सारे का सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो यूनिट है ये लाइट के ऊपर बेस करता है। सेकंड चैप्टर हमने साउंड के ऊपर पढ़ा था, साउंड एनर्जी, अब ये लाइट एनर्जी के ऊपर है। लाइट जब आती है तो उसको जो है वो किस तरह से उससे इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे लेंजेज हमने देखने इस चैप्टर में, और फिर मिरर्स देखेंगे, फिर उनमें आगे जो उनकी मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो मिरर्स हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं जो इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, और इसी तरह जो लेंजेज हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं इमेज को देखने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए, तो वो सारा कुछ इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर। अब जैसे मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट हेडिंग जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो मिरर्स के अंदर जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी मिरर्स के अंदर जो भी इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। मतलब सपोज़ करें आपके पास इस तरह से ये लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और यहाँ से ये टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुँचती है और आंखों से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस उन ब्लैक चीज़ों के ऊपर पड़ती है, जो ब्लैक वर्ड्स लिखे होते हैं उनके ऊपर, तो उनको जो है वो ब्राइट करके आपको दिखा देती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइट की रिफ्लेक्शन देखनी है, जितने मिरर्स हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर जो है वो आपकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ साइड मिरर हो या आप मतलब घर में लगा हुआ देखने के लिए फेस वगैरह को मिरर हो, तो जितने भी मिरर्स हैं उनमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर होती है। और ये शॉर्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है। इसमें 2 तरह के शॉर्ट सवाल बनते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तारीफ करें या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बयान करें, यानी रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करें। तो बहुत आसान दोनों सवाल हैं। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तारीफ बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद नीचे लॉज लिखे हुए हैं यहाँ पे। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है अगर क्वेश्चन आता है तो, फिर ये इस तरह की इमेज बना देनी है, एक नीचे सीधी लाइन लगाएं, एक इधर से लाइन लगा के आपने इधर को भेज देनी, यानी इंसिडेंट रे आपने शो करवानी है, रिफ्रैक्टेड रे शो करवानी है, और नॉर्मल 90 डिग्री का एक आपने सीधी लाइन उसके ऊपर ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्शन की पिक बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, वो आपने साथ बनानी है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टन मीडियम फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम अ पार्ट ऑफ इट्स टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, यानी जब लाइट एक मीडियम से मूव करती है किसी दूसरे मीडियम के ऊपर जाके टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा वापस उसी मीडियम में आ जाता है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मुड़ जाना या मोड़ देना, रिफ्लेक्शन। तो असल में क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है दोबारा पहले वाले मीडियम में वापस आ जाता है, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये डेफिनेशन और ये फिगर आपने यहाँ पर बना देनी है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये भी सवाल आ जाता है कि डिफाइन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके 2 लॉज हैं कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा, यानी नॉर्मल एंगल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बना रही होगी ये वाला,
उतना ही आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। इंसिडेंट एंगल आई और एंगल आर जो है वो आपस में सेम होंगे, और एक तो ये लॉ है, और दूसरे नंबर पे ये लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंगल, जो नॉर्मल है, नॉर्मल रे या नॉर्मल एंगल, वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर वाक़ होते हैं। अब मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंगल जो है वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा इसका कानून ये है कि एंगल आई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कवानीन, ये वाले स्टेटमेंट आपने याद करनी है यहाँ से, ये दोनों, और ये डेफिनेशन याद करनी है, और एक इसकी इमेज ही ये बना देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो शॉर्ट सवाल हैं जो आपने इस हेडिंग में से करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। ये दो तरह की है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप फिगर देखें तो अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट आके फॉल करती है तो वो जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में जाती है। अगर तो सरफेस स्मूथ है तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन अगर आपके पास सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, जैसे कि ये वाली फिगर है, तो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो आपके सामने नज़र आ रहा है, कुछ इस सिमत में जा रही, कुछ इस सिमत में, कुछ इस सिमत में, तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होगी वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ जो आपने याद करना है, द रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सर्फेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रफ सर्फिस रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन मैनी डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन की तारीफ बताएँ, फिर उसके जो हैं वो कवानीन बताएँ, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो स्फेरिकल मिरर का है। यानी स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फेयर का हिस्सा होता है जिसकी एक सतह जो है वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। अब मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी आपके पास मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होनी है। तो मिरर जो है वो एक स्फीयर का हिस्सा होता है जिसकी एक सतह जो है वो पॉलिश्ड होती है, दूसरी सतह जो है वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। वो जो मिरर स्फीयर है वो प्लास्टिक या ग्लास दोनों का बना हो सकता है। यानी प्लास्टिक या ग्लास से बने हुए स्फीयर का एक ऐसा हिस्सा जिसकी एक सतह पॉलिश्ड हो और दूसरी सतह लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो वो आपके पास स्फेरिकल मिरर बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, इसमें उसने ये दिखाया हुआ है कि इसकी ये बैरूनी सतह जो है वो पॉलिश्ड है, तो ये कनकेव मिरर बनेगा, और अगर इसकी अंदरूनी सतह पॉलिश्ड होती तो कन्वेक्स मिरर होना था। दो टाइप्स के मिरर्स होते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें स्फेरिकल मिरर के अंदरूनी साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है और बैरूनी साइड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। तो इस तरह का जो मिरर होगा वो आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा। और अगर आपके पास स्फीयर का वो हिस्सा जिसकी बैरूनी सतह पॉलिश्ड हो और अंदरूनी सतह जो रिफ्लेक्ट करे, तो वो कनकेव मिरर होगा। तो कनकेव मिरर की आगे प्रॉपर डेफिनेशन है, अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर है, इसकी अंदरूनी सतह जो है वो रिफ्लेक्ट करती है और इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्ट करती है। और उसके बाद इसकी इमेज फॉर्मेशन के ऊपर भी आपने थोड़ी सी मालूमात देनी है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यानी जितना ऑब्जेक्ट उसके सामने पड़ा होगा उसकी वो छोटी पिक जो है वो बना के आपको दिखाएगा कन्वेक्स मिरर। और ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की बदौलत आपके पास जो है वो वर्चुअल यानी ख्याली एक इमेज बनेगी जिसका साइज़ छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएट होती हैं मिरर्स के साथ। जैसे सबसे पहले ये अगर हम मिरर लें स्फीयर का, तो उसमें जो है वो मुख्तलफ उसके पार्ट आ जाते हैं। जैसे पोल है, फर्स्ट पार्ट उसने पोल को डिस्कस किया है, तो पोल मिरर का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। यानी पोल को आप वर्टेक्स भी कहते हैं और ये स्फेरिकल मिरर का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो आर यहाँ पे आपको इस फिगर में यहाँ से दिखाया हुआ है कि स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इट इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। प्रिंसिपल एक्सेस और प्रिंसिपल फोकस दो टर्म्स हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पास पोल के दरमियान से गुजरे, तो वो लाइन प्रिंसिपल एक्सेस होगी। और प्रिंसिपल फोकस नेक्स्ट है आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल फोकस का मतलब है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है वो उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस कन्वर्ज टू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर्स का जो है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, यानी दोनों मिरर्स के लिए प्रिंसिपल फोकस जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे कनकेव मिरर है इसमें प्रिंसिपल फोकस होता है, कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस नहीं होता क्योंकि उसमें लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बिखर जाती है, एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं होती। तो कनकेव मिरर के अंदर ये होता है कि लाइट जो है वो गुजरने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, तो इस वजह से इसको इसका प्रिंसिपल फोकस होता है कनकेव मिरर का। मैं आपको फिगर से दिखा देता हूँ। ये आपके पास कनकेव मिरर है, इसकी जो बैरूनी सतह है वो पॉलिश्ड है, अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट कर रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट सारी इधर इकट्ठी हो रही है, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस एफ पॉइंट है। यानी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती है उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियानी फासले को हम फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म यही है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। यानी ये फोकल लेंथ जो है वो लेंथ है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और पोल के, और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस आप लेते हैं। और कन्वेक्स मिरर में चौंका लाइट जो है ये इसकी बैरूनी सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, अंदरूनी सतह पॉलिश्ड होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो है वो मुख्तलिफ सिमतों में चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, इसको डाइवर्जिंग मिरर कन्वेक्स मिरर को कहेंगे। और इसमें प्रिंसिपल फोकस जो है वो वर्चुअल होता है बैक साइड पे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस का ये बनेगा और इसकी फिर फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का फासला होगा। तो ये कन्वेक्स और कनकेव मिरर के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि कनकेव मिरर की जो बैरूनी सतह है वो पॉलिश्ड होती है, अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट करती है, और इसमें जो है वो आपके पास रियल इमेज फॉर्म होता है। कन्वेक्स मिरर में आपके पास जो है जिसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, बैरूनी सतह जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, अंदरूनी सतह पॉलिश्ड होती है, और आपके पास इसमें वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होता है। तो ये भी यहाँ पे भी इसका फ़र्क दिया हुआ है। कन्वेक्स मिरर जो है वो इज कन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो लाइज बिहाइंड द मिरर करता है। द फोकस इज वर्चुअल एज द रेज आर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो इसमें जो प्रिंसिपल फोकस है वो वर्चुअल होता है, इसमें रियल फोकस होगा, ठीक है, और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। ये वही बात है कि मतलब लाइट जो है वो मिरर्स के साथ रिफ्लेक्ट होती है, उसमें रिफ्लेक्शन लाज पूरे हो जाते हैं, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तीनों एक ही प्लेन के अंदर वाक़ होते हैं। तो यहाँ से जो याद करने वाली बात है वो यही है कि आपने याद रखने है कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का फ़र्क क्या है। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद आपके पास जो है प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मुख्तलिफ चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर है, उसका फार्मूला है कि हम इमेज की लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये असल में इमेज लोकेशन जो मिरर फार्मूला है ये रिलेशनशिप है बिटवीन थ्री क्वांटिटीज, यानी फोकल लेंथ के दरमियान, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के दरमियान और इमेज के डिस्टेंस के दरमियान। वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। वन ओवर एफ जो है वो फोकल लेंथ है, पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो मीटर्स में आपका पी आएगा, और क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस है, मिरर से जितने फासले पर इमेज बनता है वो आपके पास क्यू होगा। तो इससे हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें इस फार्मूले के बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि आपके पास ये क्वान्टिटीज़ पॉजिटिव कब होंगी, नेगेटिव कब होंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आपको बताया होगा कि कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो उसमें आपके पास क्वांटिटी पॉजिटिव दी होगी लेकिन उसके साथ साइन जो है वो माइनस लगना होगा। अब जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है,
अम्मी अभी ना लावे जा रही तेरे लग रहा हो जी। अब सबसे पहले जो है बताता चलूँ आपको कि साइन कन्वेक्शन फार्मूले में कैसे लेने हैं क्वांटिटीज, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है, जब रियल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। क्यू की वैल्यू व्हेन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर बात करेगा तो आपने पी के साथ नेगेटिव साइन लेना है, पी के कीमत बताएगा उसके साथ नेगेटिव लगा देना है। और जब आपके पास इमेज डिस्टेंस क्यू लिएगा वो रियल इमेज के लिए पॉजिटिव आपने लेना है, वर्चुअल इमेज के लिए क्यू की कीमत यहाँ पर फार्मूले में नेगेटिव ले लेनी है। फोकल लेंथ अगर कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है, न्यूमेरिकल में बताया होगा कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर की पॉजिटिव लेनी है क्योंकि इसमें रियल इमेज जो है वो फॉर्म होता है, और कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव लेनी है क्योंकि इसमें डाइवर्जिंग मिरर है और वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। कनकेव मिरर के लिए आपके पास एफ की कीमत जो है वो पॉजिटिव, और कन्वेक्स मिरर के लिए एफ की कीमत नेगेटिव हम लेंगे। तो ये साइन कन्वेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के अंदर सिर्फ आपको बताया होगा कि कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ है, अगर आप वहाँ पे साइन से ही नहीं लगाते तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये वाले जो साइन कन्वेक्शन न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हेडिंग की तरफ, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट हेडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल बन सकता है। रिफ्रैक्शन जो है ये लेंसेज के अंदर मोस्टली इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है। इसकी ये वाली फिगर आपने बनानी है, एक आप यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल बना के इंसिडेंट आई को दिखाएं, फिर उसके बाद ऐसे वो उसके अंदर दाखिल होगी तो अपनी सिम्मा चेंज कर लेगी, उससे बाहर निकलेगी तो अपनी सिम्मा चेंज कर लेगी। इसके प्रैक्टिकल भी हैं आप टेंथ में रिफ्रैक्शन के आपने ग्लास लैब की मदद से ये प्रैक्टिकल जो है वो करने होते हैं, थंब पिन उसको लगा के देखना होता है कि वाकई वो जो है वो लाइट रेज गुजरने के बाद जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पार्ट्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंड हो जाना या मुड़ जाना या अपने ऐसा रास्ते से परे हट जाना, जब लाइट जो है वो हवा से ग्लास में दाखिल होती है तो अपने ऐसा रास्ते से परे हट जाती है, तो इस अमल को जो है वो आप रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फिगर बनानी है, इसके भी दो लॉज हैं, यानी इसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर एट अ द पॉइंट इंसिडेंट आर लाइज इन द सेम प्लेन, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाले लॉज हैं। उसके बाद सेकंड वाला लॉज जो है वो डिफरेंट है ज़रा, द रेशियो ऑफ द साइन आई एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यानी साइन आई ओवर साइन आर की रेशियो जो है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी एन के बराबर होती है, जिसे शनेल्स लॉ का नाम भी देते हैं, ये सेकंड लॉ है इसका। तो ये दोनों लॉज जो हैं वो अच्छी तरह आपने याद करने हैं, शनेल लॉ की डेफिनेशन यहाँ से ही कर लें कि ये रेशियो है बिटवीन साइन आई ओवर साइन आर। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम है, यानी स्पीड ऑफ लाइट कैसे वेरी करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्टली आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है एयर के अंदर, तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद स्पीड मीडियम चेंज होने से स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अप्रॉक्सीमेटली पानी के अंदर जो स्पीड है वो 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और अगर हम ग्लास के अंदर लें तो ये और कम हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाती है। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आती है ये असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने या कम होने से आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ता है या कम होता है। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला यहाँ से देख लें कि ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से ज़ाहिर करते हैं, 3 × 10⁸, इसकी फिक्स कीमत है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो उन सा मीडियम आप ले रहे होंगे उसमें उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इस कॉन्स्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट में, और इसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर आती है। तो अब सबसे पहले इन फिगर्स को देखें, तो ये है इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टेड रे यानी रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना आपको दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट फिगर में अगर हम देखते हैं कि इंसिडेंट एंगल को मज़ीद बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस बाउंड्री के साथ रिफ्रैक्ट होकर आना चलना शुरू हो जाती है, यानी वो नॉर्मल एंगल के साथ 90 का जाविया बनाए, तो आपके पास ये वाला जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, यानी क्रिटिकल एक पचीदा एंगल है
इसके बाद हो सकता है कि ये लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाए, हो सक ये भी हो सकता है कि जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में चली जाए। इस वजह से इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी इतना इंसिडेंट एंगल बनाएं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो उसी मीडियम के साथ चलना शुरू हो जाए, तो वो जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। फिर इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाएं, मजीद बढ़ा दें कि वो सारी की सारी लाइट जो है वो अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, तो इस अमल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाने से जो लाइट है वो सारी की सारी पहले मीडियम में वापस लौट आती है, तो इस अमल को जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। यहाँ से मैंने हाईलाइट किया है, फिगर्स आपको आई होप समझ आ गई होंगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यही जो है वो यही इसका तरीकाकार है कि इस तरीके से जो है वो लाइट जो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर वापस पहले मीडियम में आ जाती है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टेली कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एक ही टाइम में 4 से 5 फंक्शंस जो हैं वो इकट्ठे ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम कर सकते हैं। ये सिग्नल को जो है वो मजबूत तरीके से नेक्स्ट जो है वो वहाँ पर पहुँचा देती है, नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है इसकी डेफिनेशन देख लें तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल के ऊपर काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कंसिस्ट है हेयर साइज थ्रेड्स, यानी बालों के साइज़ के मुताबिक धागों से भरी हुई एक ऑप्टिकल फाइबर जो वो होती है, और इसके अंदर जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल के तहत रिफ्लेक्ट होती है और सिग्नल को जो वो ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इंटरनल इसकी बैरूनी जो है उसे क्लैडिंग कहते हैं, अंदरूनी पार्ट को कोर कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो आपके सामने है कि लाइट इंटर हो रही है, फिर उसके बाद सारी की सारी लाइट पहले मीडियम में वापस आ रही है। तो इस तरह से आपकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से जो है वो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद लाइट पाइप है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और डॉक्टर्स वगैरह जहाँ तक आम चीज़ की रसाई नहीं होती उस मतलब बॉडी के अंदर देखने के लिए लाइट पाइप को इस्तेमाल करते हैं। लाइट पाइप इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, इसमें यानी ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल किया होता है। दे आर यूज टू इलूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस, यानी ये उन जगहों को रोशन करती है जहाँ पे हमारी एक्सेस नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट एंडोस्कोप है, एंडोस्कोपी का एक अमल होता है। ठीक है, वो भी अंदरूनी बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स की ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एन एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पज़, यानी इसको डायग्नोज करने के लिए और सर्जिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोप स्कोप को, और इसमें भी होता क्या है कि एंडोस्कोप इज़ यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द माउथ एंड दस इलिमिनेट द इनवेसिव सर्जरी। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन द स्टमक ब्लैडर एंड द थ्रॉट आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, सेस्ट्रोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप रिस्पेक्टिवली। तीन तरह की एंडोस्कोपी होती है कि आपके पास गैस्ट्रोस्कोप ये है कि आप गले का मतलब मुआयना करते हैं, स्टमक का मुआयना करेंगे तो उसको ब्रोंकोस्कोप कहेंगे, और सॉरी गैस्ट्रोस्कोप जो है वो स्टमक का मुआयना है, और उसके बाद आपके पास ब्लैडर का जो है वो आपके पास आ जाता है ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, और मतलब स्टमक ब्लैडर एंड थ्रॉट, थ्रॉट गले का जो मुआयना करने के लिए ब्रोंकोस्कोप हो गया, और गैस्ट्रोस्कोप जो है वो आपका स्टमक का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एंडोस्कोपी क्या है, ये एंडोस्कोप एक ऐसा आला है जो बॉडी में इंसर्ट किया जाता है जिसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाई जाती है, और ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल करके जो लाइट को है जो ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर उसको सर्जिकल मकासद के लिए या डायग्नोज करने के लिए यानी चीज़ों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोप को। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर भी जो है वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है, अपने असर रास्ते से परे हट जाती है। अगर आप इस फिगर को देखें तो एक प्रिज्म पड़ा हुआ है, इसमें इंसिडेंट रे आती है, टकराने के बाद जो है वो रिफ्रैक्ट होती है, अपनी समझ से परे हट जाती है, और उसके बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद जब उस मीडियम से पास होने के बाद बाहर निकलती है तो दोबारा अपना रास्ता बदल लेती है। तो रिफ्रैक्शन यही है कि जब लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करे तो अपने असर रास्ते से परे हट जाए। तो अगर हम इसको देखें, इसको बैक एंड से बढ़ा लें, तो इसमें जो है वो ये इस इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे के साथ एक एंगल बनाती है जिसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं।
आठवीं वाली हेडिंग लेंसेज के ऊपर है कि लाइट जो है वो लेंसेज के अंदर भी इस्तेमाल होती है, लेंसेज की मदद से हम इमेज जो फॉर्मेट करते हैं जैसे कैमराज हैं, तो उन सूरतों में कैमराज वगैरह की बदौलत जो हम पिक बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो उसमें लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और लेंस जो है वो लाइट की मदद से जो है वो इमेज फॉर्म करता है। अ लेंस एनी इज एनी ट्रांसपेरेंट मटीरियल, यानी एक शिफाफ मटीरियल होता हैविंग टू सरफेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड, इसकी दो सतहें होती हैं, लाजमी इनमें से एक जो है वो कर्व्ड होती होगी। लेंस रिफ्रैक्ट लाइट इन सच अ वे दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, रिफ्लेक्शन की बदौलत मिरर्स के इमेज अंदर जो है वो इमेज फॉर्मेशन होती थी, लेकिन लेंसेज के अंदर जो है वो आपके पास रिफ्रैक्शन की बदौलत जो है वो इमेज फॉर्म होगी। लेंस एक शिफाफ मटीरियल होता है जिसकी एक सतह कर्व्ड होती है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन की बदौलत जो है वो इमेज बनाता है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंस की बात करते हैं, दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो यहाँ से आप वादे फ़र्क देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस वो होते हैं जिसके जो है वो जो बैरूनी किनारों से पतला होता है और दरमियान से मोटा होता है, तो इस तरह का लेंस जो होगा वो आपके पास कन्वेक्स लेंस होगा, जबकि कनकेव लेंस जो दरमियान से पतला होगा बैरूनी किनारों से मोटा होगा तो वो कनकेव लेंस कहलाएगा। इसमें कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, यानी इसमें लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो एक इमेज पे एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, सारी को इकट्ठा कर देता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद सॉरी। और जबकि ये वाला जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। यहाँ से डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, द लेंसेज विच काज इंसिडेंट पैरेलल रे टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नाउन एज कन्वेक्स आर कन्वर्जिंग लेंस। दिस लेंस थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एज, मोटा होता है दरमियान से और किनारों से पतला होता है। एन अदर टाइप ऑफ लेंस काज द पैरेलल रेज राइट टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, यानी उसको क्या करता है लाइट को फैला देता है, दिस इज कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। दिस लेंस इज थिन एट द सेंटर, ये दरमियान से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा। लेंस टर्मिनोलॉजी, यानी ये भी इसमें भी कुछ डेफिनेशन हैं, प्रिंसिपल एक्सेस वही हैं जैसे आपके पास मिरर के अंदर थी। प्रिंसिपल एक्सेस वो लाइन होती है जो बिल्कुल आपके पास लेंस के सेंटर में से गुजरती है, वो प्रिंसिपल एक्सेस होगा। ईच ऑफ द टू सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज द सेक्शन ऑफ स्फीयर, द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। तो जो सेंटर ऑफ लेंस के सेंटर, यानी लेंस के सेंटर और स्फीयर के सेंटर में से जो लाइन पास करती है वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस होगा। ऑप्टिकल सेंटर सी, ऑप्टिकल सेंटर जो है वो लेंस के सेंटर को कहते हैं, उसे ऑप्टिकल सेंटर सी का नाम दिया जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर सी है तो लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर सी कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस वो है कि जिस, ये देखें यहाँ से लाइट आ रही है लेंस में से पास होने के बाद जो है वो ये रिफ्रैक्ट होती है और सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, इसमें रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्मेशन होती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है तो जिस पॉइंट पे वो इकट्ठी हो रही है वो इसका प्रिंसिपल फोकस है। फोकल लेंथ जो है वो लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासले को आपका फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगी, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस है, इसमें जो है वो वर्चुअल या इरेक्ट इमेज जो है वो आपके पास फॉर्म होगी। इसमें ये डाइवर्ज इसलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो लाइट को फैला देता है। लेंसेज के अंदर जो है वो आपके पास हमेशा याद रख लें, जो इमेज फॉर्मेशन है वो रिफ्रैक्शन की बदौलत होती है, और जो मिरर्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन की बदौलत होती है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेंस की तारीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेज, यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी लेंस टर्मिनोलॉजीज हैं, जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ है, ये चार पॉइंट आलमोस्ट मिलते जुलते हैं मिरर वाले क्वेश्चन से ही, तो वो चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। उसके बाद पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, यानी किसी लेंथ की पावर क्या होती है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी पावर ऑफ लेंस जो है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होगी। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी उसकी कम पावर होगी, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ की पावर होगी। तो इसको आपने लिख देना है पी इक्वल टू वन ओवर एफ, तो वन ओवर एफ जो है वो मीटर में होती है, पावर ऑफ लेंथ के यूनिट डायोप्टर है, ठीक है, तो डायोप्टर जो है वो वन पर मीटर है इसकी यूनिट, ठीक
ठीक है, या मतलब 1 डायोप्टर 1 पर मीटर के बराबर होता है, पावर ऑफ लेंथ का यूनिट 1 पर मीटर भी हो सकता है और या डायोप्टर भी हो सकता है। तो ये 8 हेडिंग्स में हैं, वो 8 टॉपिक मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए फर्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट 8 जो क्वेश्चंस होंगे या नेक्स्ट 8 जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर मैं आपको मुकम्मल करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।